उत्तराखंड के रुकड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक चलती कार में एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने महिला को अपनी कार में लिफ्ट दी और फिर दोनों के साथ गैंग रेप किया। मेडिकल जांच में दोनों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि महिला अपनी बच्ची के साथ मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर से अपने घर जा रही थी। रात का समय होने के चलते सोनू नाम के आरोपी ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी। तो वहीं आरोपी के साथ कुछ लोग पहले से कार में मौजूद थे। शिकायत के मुताबिक सोनू और उसके साथियों ने चलती कार में महिला और उसकी बच्ची के साथ रेप किया और दुष्कर्म करने के बाद दोनों को नहर के पास फेंक दिया। महिला किसी तरह से आधी रात के समय पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने साथ हुई जबरदस्ती के बारे में पुलिस को बताया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार कार में कितने लोग सवार थे इसकी सटीक जानकारी महिला नहीं दे सकी। हालांकि उसने बताया कि जो व्यक्ति कार चला रहा था उसका नाम सोनू था। तो वहीं पुलिस ने महिला और उसकी बेटी को रुकड़ी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। मेडिकल जांच में दोनों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।